हेलो क्लास 5, गुड मॉर्निंग। नाउ कंटिन्यूइंग द सेम एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले 9B को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिलेशन है LCM और GCF में, वो पहले समझ लेते हैं, इसको कॉपी में राइट कर लेते हैं और इनके ही हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए क्या राइट करना है आपको कॉपी में। आपको कॉपी में राइट करना है रिलेशन अमॉन्ग टू नंबर्स एंड देयर GCF एंड LCM। टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये टू नंबर हो गए, और GCF और LCM इन दोनों में रिलेशन, ठीक है। टू नंबर GCF LCM इन सब में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहला देखिए, पहला रिलेशन है कि जो टू नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये होगा उनके GCF इंटू LCM के इक्वल होगा। तो याद रखना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल GCF इंटू LCM, ठीक। अब सेकेंड आइए, अब सेकेंड में ये बता रहा है कि अगर आपको GCF फाइंड करना हो, GCF फाइंड करना हो और LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया गया हो तो कैसे GCF फाइंड करेंगे, तो देखिए GCF इक्वल टू, ठीक, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। LCM इधर मल्टीप्लाई में था तो इसको इधर ला दिया गया, तो ये हो गया डिवाइड में, ठीक। इसी फॉर्मूला से ही बना है ये, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। अब आइए थर्ड नंबर पे, अगर आपको LCM फाइंड करना हो, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया हो, GCF भी दिया हो, LCM फाइंड करना हो, तो अब ये GCF यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए वही चीज है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन GCF, और इधर क्या बचा है LCM, ठीक। फोर्थ नंबर देखिए, अगर सेकेंड नंबर फाइंड करना हो, फर्स्ट नंबर दिया हो, GCF LCM भी दिया हो, तो बताइए सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सेकेंड नंबर जो फाइंड करना है इक्वल टू इधर क्या है आपका GCF इंटू LCM, तो GCF इंटू LCM ये राइट कर देंगे, और फर्स्ट नंबर यहाँ जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन फर्स्ट नंबर, ठीक। सॉल्व करने पे हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते अपना एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयर LCM इज 48, LCM भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है GCF फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का प्रोडक्ट है 192। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दे दिया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ही होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और दिया है LCM, LCM दिया हुआ है 48 और हमें फाइंड आउट करना है GCF, ठीक। अब तो आपको पता है कैसे GCF फाइंड आउट करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे GCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी दो नंबर का प्रोडक्ट अपॉन LCM। नाउ GCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM, ये होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 192, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 192, LCM है आपका 48, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टू के टेबल से अगर कटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, इसको काटेंगे 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, ठीक, 12 2 जा 24 और 12 8 जा 96, और ये जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक। तो आपका GCF क्या आया, हैंस यहाँ लिख दीजिएगा 4, ठीक है, हैंस GCF इज 4, GCF क्या है आपका 4,
बहुत सिंपल था, समझ में आ गया, फॉर्मूले पे करना ही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GCF ऑफ टू नंबर इज 16, दो नंबर का GCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर। तो आपको पता है सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या क्या गिवन है। तो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, गिवन है आपका GCF, GCF इक्वल टू है आपका 16, GCF लिख दिया। LCM है, LCM कितना है, GCF ऑफ टू नंबर 16, LCM इज 576 और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज 64, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, ठीक है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो नाउ सेकंड नंबर या अदर नंबर इक्वल टू, सेकंड नंबर लिखते हैं, नाउ सेकंड नंबर इक्वल टू, तो LCM इनटू GCF अपॉन फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला था। तो LCM आपका है 576 इनटू GCF है 16 और फर्स्ट नंबर है आपका 64, तो ये कट जाएगा 14, 16 1 या 16, 16 4 या 64। फिर इसको टू के टेबल से काटते हैं, 2 2 या 4, इसको काटेंगे 2 2 या 4, 2 8 या 16, फिर 16 2 8 या 16, अभी भी कट जाएगा 2 1 या 2, इसको काटेंगे 2 1 या 2, ठीक है 2 4 या 8, 2 4 या 8, तो आपका सेकेंड नंबर है 144। हैंस द सेकेंड नंबर या हैंस द अदर नंबर, हैंस द अदर नंबर इज 144 आंसर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग थर्ड नंबर पे है। टू नंबर्स आर, दो नंबर दिया हुआ है, GCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, हमको फॉर्मूला बताई है, गिवन दैट, क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, उसके बाद सेकंड नंबर इक्वल टू, ठीक, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है और GCF दिया है, तो GCF इक्वल टू 4, ठीक। फर्स्ट नंबर है 124, सेकंड नंबर है आपका 320 और GCF 4, LCM फाइंड करना है। नाउ LCM इक्वल टू, हमको पता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन GCF, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर है आपका 124 इंटू सेकेंड नंबर है आपका 320 और GCF है आपका 4, ठीक। तो इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक। ये आपका आया क्या, 31 इंटू 320 ना। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे क्या है। तो रफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 320 इंटू 31 है, ठीक है, 0 2 3 0 3 2 जै 6 3 जै 9, तो ये आपका 0 2 9 9, तो आपका आएगा आंसर 99, ठीक है 20 9 9 20, ये आपका LCM हो गया। फिर ऐड करेंगे, हैंस द required LCM is equal to 9920, ये हो गया आपका आंसर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फोर नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20 24 35 एंड 45। देखो इसमें बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि डिवाइड हो सके 20 से, 24 से, 35 से और 45 से डिवाइड हो सके, ठीक है, इन सब से डिवाइड हो सके भाई। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट पूछा है तो देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4 और गिवन नंबर पर लिखेंगे. गिवन नंबर्स आर क्या क्या गिवन नंबर है 20, 24, 35 एंड 45. ठीक, ये हो गया. और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट है तो राइट करेंगे वी नो दैट क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम 9. ठीक है, राइट हो गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. अब क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे. नाउ एलसीएम ऑफ 20, 24, 35 एंड 45, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है 5 डिजिट का जो कि 20, 24, 35 और 45 से डिवाइड हो जाए. डिवाइड हो जाए, याद रखिएगा. तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना. तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, 10 टाइम में 12 टाइम में ये तो होगा नहीं, इसको एज इट इज राइट करते हैं. ठीक, डिवाइड कर करके राइट करते हैं जितने टाइम्स आता है. 2 5 10 2 6 12 35 होगा नहीं. ठीक है, तो इसको ऐसे ही राइट कर दिया. फिर 2 के टेबल्स ले जाएंगे, 5 2 3 6 35 45. ठीक है, अब देखिए कोई 2 से होगा नहीं तो 3 से करते हैं. 5 होगा नहीं, 1 टाइम में 3 1 जा 3 नहीं होगा, 35 है ये होगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15. ठीक, अभी भी 3 से जा रहा है, 15 है वहाँ पे इसलिए. ठीक है, 3 5 जा 15. अब 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से नहीं होगा कुछ भी. 5 1 जा 5 1 5 7 जा 35 और ये 1. और अब जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 1 7 1 जा 7. ओके, 1 1 1 आ गया. तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितना टाइम 2 है, 1 2 3 1 2 3 3 टाइम 2 2 टाइम 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हो गया. मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8. ठीक, 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 5 7 जा 35 हो गया. ठीक है, अब इसको करेंगे तो 9 8 जा 72 इंटू 35. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 72 इंटू 35. ठीक है, 5 2 जा 10 कैरी वन, 5 7 जा 35 136. ठीक है, 3 2 जा 6 7 3 जा 21 ये हो गया 0 6 6 12 का 0 कैरी 1 3 प्लस 1 4 1 5 और ये हो गया 2 2 5 2 0. तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2 5 2 0. ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम हमारा आ गया 2 5 2 0 और हमें 5 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो कि इन सबसे डिविजिबल हो. तो ये हमारा एलसीएम आ गया. नाउ अब देखिए क्या करना है हमें, अब ये जो एलसीएम आया है 2 5 2 0 इस एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट को. 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 5 2 0. ठीक है, 2 5 2 0 से डिवाइड करेंगे. देखिए ये जो एलसीएम आया है 2 5 2 0 ये तो आपको पता है कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, 20, 24, 35, 45 सबसे डिवाइड हो जाएगा ये. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो कि इन सबसे डिवाइड हो सके. तो हम क्या करेंगे, अब जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे ये जो हमारा एलसीएम आया उससे. ठीक, चलिए देखते हैं.
तो इस तरीके से राइट करेंगे नाउ, जो 5 के ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं 2520 वन टाइम 9 9 9 9 9, ठीक, ये हो गया। अब कितने टाइम ले जाते हैं, देखिए वन टाइम है तो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम ले जाएंगे तो 2520 है या 9 है। टू टाइम ले जाएंगे तो 20 0, 22 4 और 25 10, 25 आएगा, ये भी स्मॉल है। थ्री टाइम ले जाते हैं तो 35 15 और 32 6 17। अगर फोर टाइम ले जाएंगे तो 45 20 और 42 8 10, फोर टाइम तो अधिक हो जाएगा क्योंकि 42 8 और कैरी 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ना यहाँ तो 9 है, तो 3 टाइम हम पहले ले जाएंगे। 3 टाइम ले जाएंगे तो 3 0 0, ठीक है, यहाँ राइट कर लेते हैं, देखो 2520 है यहाँ पे रिटर्न, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 7 5 6 0, 7 5 6 0, ये हो गया। अब माइनस करते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 2, और ब्रिंग डाउन 9 करते हैं ब्रिंग डाउन। अब कितने टाइम ले जाया, 24 है ना, तो 3 टाइम में 7 6 6 टाइम ले जाते हैं, एक बार देखते हैं 7 14 अधिक हो जाएगा तो 6 टाइम ले आएंगे, ले जाते हैं देखते हैं क्या होता है। 6 0 0, 6 2 12 कैरी 1, 6 5 30 31 3 और 6 2 12 और 3 15 15 अभी भी कम है। 8 से करते हैं, 8 0 0, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 5 40 प्लस 41 का 1 कैरी 4 और 8 2 16 हो 20, अभी भी कम है 8 टाइम में। 9 टाइम ले जाते हैं तो 9 0 0, ठीक है, ये हो गया आपका 9 0 0 और 9 2 18, ठीक, 9 2 18 कैरी 1 और 9 5 45 146 4 कैरी और 9 2 18 18 4 22, 22 स्मॉलर है। 10 टाइम ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा क्योंकि 25 यहाँ 24 है, तो 9 टाइम हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, तो 9 0 0 हो गया। 9 2 18 का 8 कैरी 1, 5 9 45 146 का 6 कैरी 4 और 9 2 18 18 4 22, ठीक, 9 0 9, ठीक। अब 9 8 1, 3 में 6 जाएगा नहीं, 13 हो जाएगा, 7 3 1 2 1, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, तो ये आपका आया रिमाइंडर 1719, क्योंकि यहाँ 2520 है, ये अधिक है स्मॉलर है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपने डिवाइड तो कर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2520 से हमने जब डिवाइड किया तो ये 39 टाइम में डिवाइड हुआ, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। और आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, इसमें रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है जो बच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में से, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में से जब हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा किससे, 20 24 35 45, इन सभी से, समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट को डिवाइड किया एलसीएम से, ठीक, क्योंकि हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था इसलिए हमने डिवाइड किया एलसीएम से, डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर भी मिल रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने में रिमाइंडर ना मिले, रिमाइंडर जीरो मिले, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसी को माइनस कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में से, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट करते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, हैंस द
require greatest number of 5 digit. Hence the required greatest number of 5 digit क्या होगा? अभी हमारे पास है 1, 2, 3, 4 5 digit greatest number, तो माइनस करेंगे 1719, माइनस कर दिया तो 9 - 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 9, 8, 2, 8, 0, ये हो गया आपका आंसर. क्लियर?